मेरे प्यारे बच्चों, आज आईसीआर का स्कोर कार्ड जारी हुआ है। उस स्कोर कार्ड में रैंक नहीं है, बाकी परसेंटाइल है। और ये जो काउंसलिंग होती है परसेंटाइल पर ही होती है आईसीआर की। तो अभी काफी सारे स्टूडेंट को इस बात का कंफ्यूज है कि इस परसेंटाइल से हम कैसे जाने कि हमारा क्या रैंक हो सकता है। तो देखो, जो परसेंटाइल से रैंक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। 100 माइनस योर परसेंटाइल अपॉन 100 इंटू नंबर्स ऑफ कैंडिडेट अपेयर्ड इन दी एग्जाम। ये फॉर्मूला है। इससे आप अपनी यहां पर परसेंटाइल पुट करके ये निकाल सकते हैं कि आपकी क्या रैंक हो सकती है। अब हमारे पास सारा जो डाटा है वो अवेलेबल है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयर्ड, कितने एग्जाम में अपेयर्ड कैंडिडेट हैं, इसका डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये हर साल एनटीए जैसे ही आईसीआर का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद एक पब्लिक नोटिस देता है। उस पब्लिक नोटिस में ये बताया जाता है कि इस बार आईसीआर की एग्जाम में कितने स्टूडेंट अपेयर्ड हुए थे, कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, कितने अपेयर्ड हुए थे। उसमें स्टेट वाइज सारा सब कुछ डाटा होता है, लेकिन वो इस साल के लिए अभी जारी नहीं किया गया है। तो यहां हम ये डाटा अभी मान के चलते हैं कि इस साल 150,000 स्टूडेंट ने आईसीआर का एग्जाम दिया है, आईसीआर के एग्जाम में अपेयर्ड हुए हैं। क्योंकि ये जो पिछले साल का डाटा था 1,40,000 स्टूडेंट थे उसमें, यानी कि 1,39,000 समथिंग स्टूडेंट थे उसमें, 1,40,000 स्टूडेंट थे पिछली बार। तो इस बार हम मान सकते हैं कि इस बार जो 1,50,000 के नियर बाई स्टूडेंट होंगे। अब हम इसी को लेके एक बार परसेंटाइल से हम ऑल इंडिया रैंक निकालेंगे, देखते हैं कितना होता है। उसके बाद जैसे ही एनटीए का पब्लिक नोटिस आ जाएगा उसके बाद देख लेंगे कि कितने स्टूडेंट अपेयर्ड हुए थे, वो अपेयर्ड का यहां फिगर डाल देंगे तो हमारी परसेंटाइल से ऑल इंडिया रैंक आराम से आ जाएगी और हम देख सकते हैं कि हमारा यहां तक एडमिशन हो सकता है। तो मैं यहां पर कुछ वैल्यू पुट करके देखता हूं। अभी जिस स्टूडेंट के 100 परसेंटाइल है वो तो उसका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1 होता ही है। उसके बाद वाले जो 2, 3, 4, 5 ये होते जाते हैं। जैसे जिस स्टूडेंट के 100 परसेंटाइल है तो उसका ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाएगा। उसके बाद उसका जो नेक्स्ट स्टूडेंट है उसका परसेंटाइल 99.999998 है तो वो 2 नंबर रैंक का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑल इंडिया रैंक होगी। अब हम यहां कुछ वैल्यू डाल के यहां समझते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। तो मान लो किसी स्टूडेंट के परसेंटाइल अगर हम देख लेते हैं, मान लो किसी स्टूडेंट के 75 परसेंटाइल है तो यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं। तो यहाँ 75 परसेंटाइल हमने यहाँ लगा दी है और इसको 100 से डिवाइड कर दिया है और यहाँ हम ये अभी तक यही मान के चल रहे हैं कि 1,50,000 होंगे, इससे कम होने के चांसेस तो नहीं है। तो हम यहाँ 1,50,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हमारा हो जाएगा यहां पर 25 अपॉन 100 इंटू 1,50,000, ठीक है। इसके बाद में हम इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से जब ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा इसमें 3, 5 और ये, यानी कि अप्रोक्स आपकी 35,000 रैंक आएगी। यहां पर 35,000 रैंक आएगी। अब 50 परसेंटाइल का देख लेते हैं हम। अगर यहां हम 50 परसेंटाइल करते हैं, मान लो 75 की जगह किसी स्टूडेंट के 50 परसेंटाइल है तो यहां पर 50 कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 50/2 तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 75,000 रैंक आ जाएगी इस कंडीशन में। जिस स्टूडेंट के 50 परसेंटाइल है उसके 75,000 रैंक आने की संभावना है। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटा सा मैंने आपको बताया है। जिस स्टूडेंट के मान लो यहाँ 99.9
कुछ आ रहे हैं यहाँ पर 99.99998 ये परसेंटाइल आ रही है, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लें तो आपकी अप्रोक्सीमेटली ऑल इंडिया रैंक के बारे में आपको पता लग जाएगा कि कितनी रैंक आपकी आ रही है। अभी इसमें ऑल इंडिया रैंक में कितनी रैंक पर आपका एडमिशन हो सकता है आईसीआर में, इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है तो उसका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल तक जब तक एनटीए का नोटिस नहीं आता है कि कितनी स्टूडेंट अपेयर हुए थे, यही मान के चल रहे हैं हम, यही निकाल के हम परसेंटाइल निकाल लेते हैं। तो जैसे ही इसका नोटिस आ जाएगा हमें थोड़ी सी नजदीक किसी परसेंटाइल से ऑल इंडिया रैंक का पता लग जाएगा। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ में। मैंने आपको ये मोटा मोटा सा कैलकुलेशन बताया है, जिन एग्जाम के अंदर दो शिफ्ट में एग्जाम होता है, तीन शिफ्ट में एग्जाम होता है, जैसे जेई में इनका एग्जाम होता है, तो उनमें ये परसेंटाइल सिस्टम ही यूज किया जाता है काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया रैंक उसी से निकाली जाती है, उसी से एडमिशन होता है। तो उसका जो मोटा मोटा सा फार्मूला, चाहे जेई मेन का हो चाहे आईसीआर का हो, इस प्रकार से इसी फॉर्मूले के अंदर हम पुट करके निकालते हैं। फॉर्मूला मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। ऑल इंडिया रैंक निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। ऑल इंडिया रैंक के लिए जो फॉर्मूला है IR इक्वल टू 100 माइनस इसमें योर परसेंटाइल यहां पुट कर देंगे, इसके बाद 100 से इसको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर्ड इन द एग्जाम, और ये हम यहां मान के चल रहे हैं 150,000। ये अगर एनटीए नोटिस, पब्लिक नोटिस में ये फिगर देता है वो फिगर यहाँ पुट कर लीजिएगा। फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि 150,000 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो इस प्रकार से आप अपना परसेंटाइल से ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है इसका, क्योंकि कुछ देर पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें काफी सारे मैंने ये बताया था कि जैसे कि मान लो 100 बच्चे हैं, उसके अंदर 75% किसी स्टूडेंट की आ रही है, तो इसमें 100 में से हमें निकालेंगे तो 25 वन नंबर 100 में से आपका ये आएगा। कहने का मतलब नीचे से जितने कैंडिडेट होते हैं 75 आपसे नीचे कैंडिडेट हैं, 74 कैंडिडेट आपसे नीचे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, स्टूडेंट समझ नहीं पाए, उन्होंने समझने में कुछ, उनके सोचने में मैंने बोलने में कुछ गलती कर दी, उनके सोचने में कुछ गलती थी, तो इस प्रकार से आप ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।